मीडिया देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। और इससे पूर्व कि मैं आज क्या विशेष है उस बारे में आपको बताऊं, मैं आपको बता दूं कि अभी आप हमें देख रहे हैं सिटी चैनल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 101 पर, आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर। तो जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि आज जो है वो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, और ऐसे में बड़े सारे सवाल, क्योंकि जिस तरह से आजकल जो दौर चल रहा है और उस दौर में भी जो है वो आत्महत्या के अगर हम केस देखें तो वो बढ़ रहे हैं, और लगातार आत्महत्या जो है वो उसके जो मामले हैं वो हमें नजर आते हैं, और ऐसे में क्यों आत्महत्या लोग करते हैं, क्या कारण रहते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मनोचिकित्सा विभाग IGMC शिमला के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा जी। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर। जब हम आत्महत्या की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे कारण रहते हैं जी। जो जहां तक आत्महत्या का संबंध है, ये एक जटिल समस्या है। इसका जैसे हम कहें, अगर हम ये कहें कि एक वन टू वन कारण नहीं है, बहुत सारी जो कारक हैं वो मिल करके आत्महत्या का कारण बनते हैं। तो आत्महत्या के लिए एक तो जो होती है वल्नरेबिलिटी, कि कोई व्यक्ति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका पर्सनैलिटी प्रोफाइल कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, और एक हो गया अंदरूनी कारण, एक वातावरण के कारण जो बाहरी कारक हैं, जैसे कभी तनाव की स्थिति बनी हुई है और जो है अचानक से कुछ ऐसे एकदम से जो है फाइनेंशियल लॉस हो गया, या जिनको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेस, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एकदम बन जाते हैं, या फिर कभी कभी अंदरूनी तौर पर मानसिक बीमारी का होना जी। क्योंकि ये देखा गया है कि जो मानसिक बीमारियां हैं जिनमें से ऐसा देखा गया जो आत्महत्या करते हैं उनमें से लगभग एक अनुमान के अनुसार 70-80% लोगों को कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, और उसमें डिप्रेशन मुख्य है। 50% जो आत्महत्या के मामले हैं उनमें डिप्रेशन जो है कारण देखा गया है जी। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने हमें बताया कि डिप्रेशन जो है इसका एक कारण देखा गया है, तो क्या डिप्रेशन को कम करने के लिए या डिप्रेशन को रोकने के लिए कोई दवाई या कुछ ऐसा कुछ है नहीं जी? एक तो सबसे पहली बात है, रोकने से पहले हमें जो जानना पड़ेगा वो इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन को पहचानना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा जो डिप्रेशन जो चल रहा होता है वो ज़्यादातर अनडायग्नोज और अंडर ट्रीटेड रहता है, क्योंकि लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में इतनी अभी जानकारी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो शारीरिक बीमारियों के लिए तो एकदम से खुद से आ जाते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों में अधिकतर लोगों को लगता है कि ये थोड़ा बाहरी, ये इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, तो वो थोड़ा वेट करते हैं और सोचते हैं कि खुद ही परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, और कभी कभी परिस्थितियाँ हाथ से निकल जाती हैं तो वो पहचान नहीं पाते कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं जी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है मास लेवल पर इसकी अवेयरनेस जी, कि उनको जानकारी हो कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या उनके परिजन डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वैसे अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन आखिर है क्या जी? एक तो होता है डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन एक तो स्टेट हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कहा थोड़ी देर के लिए आप उदास हो गए, तो वो डिप्रेशन की स्टेट है, और एक डिप्रेशन ट्रेट भी हो सकता है, जैसे किसी का स्वभाव है कि वो थोड़े परेशान रहने वाले होते हैं। लेकिन जो जहाँ हम डिप्रेशन की बीमारी की बात करते हैं, अवसाद, जिसको हम अवसाद कहते हैं, वो एक बीमारी है। वो डिप्रेशन तब हम बोलते हैं जब 2 हफ्ते से ज़्यादा हर रोज़ अधिकतर समय के लिए व्यक्ति उदास रहता है, और उसका मन जो है काम में नहीं लगता है, और उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी लो हो जाती है, और उसके अलावा उसके जो मन के विचार हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, और अधिकतर उसको नेगेटिव विचार आते हैं, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक सोच हो जाती है, जैसे उसको लगता है कि ज़िंदगी बोझ बन गई है और आगे का आने वाला समय अच्छा नहीं है, और मेरा जो है मैं औरों पर बोझ बन गया हूँ, इससे उसको लगने लगता है कि अब आगे के लिए होप भी नहीं है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। और इसी के चलते कभी कभी जब डिप्रेशन कई लोगों को ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो उनको आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। सर, डिप्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है जी? जैसे मैंने बताया पहले आपको, जैसे आत्महत्या की बात की, वैसे ही जो डिप्रेशन है ये भी मल्टीफैक्टोरियल इलनेस है। अगर ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है तो उसके लिए हमें परामर्श लेना चाहिए, चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए और अपने को असेस करवाना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। डिप्रेशन जो है अंदरूनी तौर पर भी हो सकता है, बाहरी कारकों से भी हो सकता है, और कभी कभी जो आप शारीरिक बीमारियां हैं उनकी वजह से भी, उसको सेकेंडरी डिप्रेशन बोलते हैं, उससे भी हो सकता है, जैसे कोई थायराइड की बीमारी है, कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज हैं, और कई बार आप कई दवाइयां लेते हैं उनसे भी हो सकता है।
तो वो पूरा असेसमेंट होना चाहिए इसका जी। तो जब असेसमेंट होगा तभी पता चलेगा कि डिप्रेशन क्यों है और तभी उसका जो है उचित इलाज हो सकेगा जी। ऐसे नशा या फिर कोई और दवाई या फिर ड्रग्स भी क्या आत्महत्या के कारण हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये डेफिनेटली देखा गया है कि जो सब्सटेंसेस हैं, जो जिसको हम नशे कहते हैं, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे खासकर अल्कोहल है, तो इनके साथ जो है नशे जो आत्महत्या की वृत्ति बढ़ जाती है। बहुत सारे नशे ऐसे हैं जिनसे आत्महत्या की वृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जजमेंट इम्पेयर हो जाती है और उसमें जो है आदमी आत्महत्या के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। जैसे कि हम अगर बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है, तो क्या कोई ऐसे लक्षण है या कोई ऐसे सांकेतिक हम कह सकते हैं कोई संदेश है कि जैसे हमें पता चले कि व्यक्ति जो है वो आत्महत्या जो है वो कर सकता है या कर उसके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, ये विचार आ रहा है कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, कोई संकेत है सर इसके? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है जो आत्महत्या करते हैं वो अधिकतर केसेस में अचानक से नहीं करते हैं जी। अधिकतर केसेस में वो पहले से ही कुछ समस्या से जूझ रहे होते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है उन्होंने कुछ ना कुछ संकेत अपने दोस्तों परिजनों या अपने डॉक्टर को दिए होते हैं, जिनको पहचानने में हम कई बार गलती कर जाते हैं या मिस हो जाते हैं जी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन संकेतों को पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे उनकी बातों में झलक सकता है, जैसे कभी कभी जो लोग आत्महत्या करते हैं तो वो कभी कभी ऐसे निराशाजनक बातें करेंगे कि अब जीने का क्या फ़ायदा है, जैसे इस तरह की बात, छोटी सी बात कर ली कि नाउ इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ, या उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अब तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। तो ये छोटा सा हिंट भी कभी इसको हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और उसके व्यवहार से पता लग सकता है कि वो जितना पहले लोगों से बातें करता था उतना ना करे और अकेला रहना शुरू कर दे। और उसके अलावा हो सकता है कि उसको बार बार रोना आए, या कभी कभी वो ऐसी बातें करे कि मुझे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी बात कोई करे तो दैट शुड बी टेकन सीरियसली, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अगर उसने किसी से कहा है तो हम क्या करते हैं कि उसको समझाने लग जाते हैं कि फालतू में ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए। तो बजाय ये कहने के आपको उसकी बात को सुनना और समझना चाहिए, बजाय ये कहने के उसको ये कहना चाहिए कि आत्महत्या के विचार आना असामान्य नहीं है और ये कभी किसी को आ सकते हैं, और उसका कारण समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसको समस्या क्या हो रही है, बजाय ये कहने कि यार तू तो बड़ा कायर आदमी है, ऐसी थोड़ी सोचते हैं जी, ये तो गलत बात है। उसको यानी कि नॉन जजमेंटल होकर के उसकी बात को समझना ज़रूरी है और डिसमिस नहीं करना है। कभी कभी हम डिसमिस कर देते हैं, फालतू बात करता है, फिर वो आपको अपने मन की बातें नहीं बताते हैं और पता चलता है कुछ दिनों बाद कि वो व्यक्ति है ही नहीं। बिल्कुल, तो हम उस व्यक्ति को खो देते हैं जी। आत्महत्या बिल्कुल एक गंभीर विषय है जिसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता है, एक ऐसा कदम उठा देता है जिसमें वो आगे क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये सब कुछ सोचता नहीं है, विचारता नहीं है और अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का आत्महत्या को रोकने में क्या जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसमें एक तो मनोवैज्ञानिक का रोल है जी, और एक मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का, क्योंकि जो इस बार आज का जो दिवस है वो विश्व आत्महत्या दिवस है और इस दिन हम आत्महत्या की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बातचीत करते हैं, तो इस दिन मेरा इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो है कि आप जो है मनोचिकित्सक से परामर्श करते हैं, दूसरा हर व्यक्ति को ये जो मैंने बताए हैं वार्निंग साइंस उनके बारे में पता होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि शुरुआती जो क्राइसिस इंटरवेंशन है, जब व्यक्ति जो है शुरू के कुछ सेकंड्स में परेशान है, तो अगर उस वक्त उसकी व्यथा सुन ली जाती है बिना जजमेंटल हुए, थोड़ी देर के लिए आप बैठ के बातचीत कर लेते हैं उससे कि ये सब आप क्यों है, क्या है, वो सब करके, और थोड़ी देर के लिए उसको उस अपने उसमें करते हैं और फिर उसके बाद चिकित्सीय परामर्श के लिए उसको प्रेरित करते हैं, तो हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस क्राइसिस में, ज़रूरी नहीं कि वो स्पेशलिस्ट ही हेल्प कर सकता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मैंने बोलना क्या है, जजमेंटल नहीं होना है, नॉन जजमेंटल रहना है और उसकी बातों को समझना है, बजाय इसके कि उसको प्रवचन देना शुरू कर दें या भाषण देना शुरू कर दें, क्योंकि उससे वो जो है आपको पूरी बातें नहीं बताएगा और आप समझ नहीं पाओगे जी। तो एक तो हर व्यक्ति का रोल है, उसके बाद मनोचिकित्सक का रोल है, क्योंकि क्राइसिस इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे विचार एक्टिवली आ रहे हैं आत्महत्या के और वो चल रहे हैं, तो बेस्ट यही है कि उसको दाखिल, मतलब उसको जो है इनडोर ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है, और उस वक्त जो है
24 आवर उसके साथ अटेंडेंट होना चाहिए, और ऐसी कोई सामग्री साथ नहीं होनी चाहिए जैसे कोई रस्सी है, कोई चाकू, छुरी, ब्लेड, इस तरह की चीज़ें उससे दूर रखी जानी चाहिए, और उसके साथ उसकी समस्या पर बातचीत की जानी चाहिए, और उसके अलावा उसको जो है असेस किया जाना चाहिए कि उसके पीछे का कारण क्या है, का क्या कोई साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हैं या कोई डायग्नोसेबल मेंटल इलनेस है, उसके लिए फिर उसका असेसमेंट शुरू हो जाना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में आता है, और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में क्राइसिस इंटरवेंशन आता है जी। तो क्राइसिस में उसको हेल्प करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसी से हम जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और एक प्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है कि उसका जो अगर वो आत्महत्या के विचार आ रहे हैं वो किस लेवल के हैं, और अगर उसने अटैम्प्ट किया है तो वो अटैम्प्ट असेस करना पड़ता है कि वो किस तरह का अटैम्प्ट है, अगर वो ज़्यादा लिथल है, उसने मेथड ऐसे अपनाए हैं जिसमें वो ज़्यादा हुआ है और वो बिल्कुल किसी को, और वो बहुत प्लानिंग उसमें स्ट्रांग है, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक है जी। तो डॉक्टर दिनेश, जैसे कि आपने, हम सभी जानते हैं कि आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ऐसे में क्या जो है वो आप लोगों से, लोगों को कुछ संदेश जो है वो आत्महत्या के तहत देना चाहेंगे? जी, और मेरा यही संदेश रहेगा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति सजग रहे, और अपने परिजनों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहे, और अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बजाय अकेले सहने के उसको साझा करें, और पीपल आर देयर टू हेल्प, और इसका इलाज संभव है, उनको ये पता होना चाहिए, और वो इलाज के लिए शर्माए नहीं, घबराए नहीं, अकेले जूझने के बजाय इलाज के लिए सामने आए, और इसमें सामने आने में कोई शर्माने की बात नहीं है, उसको ये समझ में आना चाहिए जैसे शारीरिक बीमारियाँ होती हैं वैसे ही मानसिक बीमारियाँ भी होती हैं, तो इसलिए अगर शरीर रुग्ण हो सकता है तो मन भी रोगी हो सकता है, तो उसको ये नहीं लेना चाहिए कि मानसिक रोग का मतलब कोई वीकनेस नहीं है, ये पर्सनल गलती नहीं है, कभी कभी क्या होता है उसको लगता है कि मैं ही शायद वीक हूँ, क्योंकि दूसरे लोग क्या देते हैं कि भाई स्ट्रांग होना चाहिए, तो स्ट्रांग होना एक मिथ है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, नोबडी इज इम्यून टू मेंटल इलनेस, तो ये मन में विचार करके उसको हमेशा अपनी बात को हमेशा साझा करना चाहिए, लोगों से बताना चाहिए, उससे उसकी वीकनेस नहीं झलकती बल्कि उसकी स्ट्रेंथ झलकती है, तो यही मेरा मैसेज है इसमें कि हमेशा जो है मानसिक बीमारियों को भी सजगता से लें और गंभीरता से लें। डॉक्टर दिनेश, आपने और इसके इलाज संभव है जी। डॉक्टर दिनेश, आपने ये तमाम जानकारी हमें दी, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका, और आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दिनेश जी, जिन्होंने हमें ये तमाम जानकारी दी, आत्महत्या जो है वो रोकथाम किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आत्महत्या एक विकल्प नहीं है। आत्महत्या, मान लीजिए जीवन में बहुत से ऐसे जो है वो पड़ाव आते हैं जिसमें दुख भी है, सुख भी है, और कई सारी कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, ऐसे में अगर व्यक्ति उन मुश्किलों का या उन समस्याओं का समाधान करने की बजाय आत्महत्या कर ले तो वो गलत विकल्प है। आप आत्महत्या ना करें, बल्कि अगर कभी आपको ऐसे विचार आते हैं, जो कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि अगर कभी भी आपको ऐसे विचार आते हैं तो आप जो है किसी ऐसे अपने का साथ ढूंढें जो कि आपकी बातों को समझ सकें, आपकी मुश्किलों को समझ सकें, और बिल्कुल जब आप किसी के साथ अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को साझा करेंगे, हमारा दावा है कि आप ये जो गलत कदम है आत्महत्या का वो नहीं उठाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज मुझे यानी कि आरती शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।